नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवी। बिहार में बदलती राजनीतिक हलचल और विपक्ष के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शपथ तो ले ली, लेकिन अब जनता क्या करे, किस पर विश्वास करे। दरभंगा के उन तमाम लोगों के विचार आपको सुनाते हैं जिन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्णय से क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ। देखिए, सरकार तो निश्चित रूप से बदल गई है, लेकिन जो भी हो रहा है हम समझते हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो गलत की थी उसका परिणाम आज भाजपा को भोगना पड़ रहा है। हम भाजपाई होते हुए भी यह दर्द बयां कर रहे हैं कि हमारी अपनी गलती के कारण कोई आज मुझे ठेंगा दिखा रहा है, चाहे वो नीतीश कुमार हो या और कोई सरकार में जो भी जा रहा है वो लोग हो। हमारा यही कहना है कि हमारे लीडर नेता लोग जो अपने जनादेश को दबा के छोटा जनादेश वाले को आगे बढ़ाया था उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी को ठेंगा दिखाया जा रहा है और बिहार के जनता को भी ठेंगा दिखाया जा रहा है और जनमत का अपमान किया जा रहा है। जी, सरकार का रेवेन्यू था, लेकिन शराबबंदी के फायदे नीतीश कुमार ने जो रवैया दिखाया कि हर हाल में शराबबंदी को लागू रखेंगे, अब उन दोनों के बीच क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है ये तो आने वाले दिनों पता चलेगा। हमको लगता है कि महीने दो महीने लगेंगे, हफ्ता में कम से कम महीना भर तो लगेगा समझने में कि इन दोनों के बीच क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन मेरा एक ही कहना है कि सरकार कहाँ, सरकार चलता है जो सरकार के प्रधान होते हैं वही सरकार चलाते हैं, और सरकार के प्रधान तो वही थे, वही हैं जो कल थे, हुआ ही आज भी हैं। सरकार तो चली रही है क्योंकि जिनका तो सरकार थी उन्हीं का तो आज भी सरकार है। सरकार के मुखिया तो वही है जो कल थे, वही आज भी हैं। तो सरकार कहाँ बदली है, मंत्री बदले हैं, मंत्री परिषद बदला है, सरकार तो वही है जो पहले था, आज भी वही है। कुर्सी पे बैठने वाले लोग आते हैं जाते हैं, इधर से उधर करते हैं, जनता वही है, सरकार वही है। सरकार बदली है ना बदलेंगे, सरकार कभी ना गिरती है ना उठती है, सरकार वही है। हमारे राज्य का जो नेता है वो लोग अपना पद कभी गिराते हैं, कभी वो पद पे चले आते हैं, किसी को नीचे दिखाते हैं, किसी को ऊपर कर देते हैं, नेता इधर उधर होते हैं, सरकार नहीं। और हमारी जो महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि बिहार का भविष्य और युवाओं के दिल का धड़कन, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हैं वो बहुत ही सूझबूझ के साथ और बखूबी उनको निभाने आता है। जो उन्होंने युवाओं से वादा किए हैं, जो उन्होंने युवाओं के बीच में उन्होंने अपनी बात रखी है, छात्र के बीच में उन्होंने अपनी बात रखी है, बेरोज़गारों के लिए जो उन्होंने अपनी बात को रखे हैं, तो हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा से महागठबंधन की सरकार चलेगी और इसमें से कहीं कोई शंका नहीं है। कहता है कि यदि राजा ईमानदार हो तो उसके मंत्री भी ईमानदार होते हैं, यानी कि जो सत्ता पर जो बैठे प्रमुख व्यक्ति है जो इनका पर नियंत्रण रहता है अगर वो ईमानदार हो तो ईमानदार होता है, लेकिन यदि शिकायत है तो बदलना तो प्रधान को ना चाहिए। यहाँ प्रधान तो वही है जिनके हाथ में सत्ता थी उन्हीं के हाथ में आज भी है, क्योंकि सरकार के प्रमुख होते हैं मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तो वही है, तो बदला क्या है, सिर्फ मंत्री बदले हैं। मंत्रिपरिषद तो वैसे ही बदलता रहता है, आज इनके हाथ में कल उनके हाथ में, लेकिन सरकार चलाने का जिम्मेवारी होता है मुख्यमंत्री के पास और मुख्यमंत्री तो वही है, तो पता नहीं क्या बदला है। खैर, देखते हैं आने वाले दिनों में कुछ बदलता है या नहीं बदलता है। आशा तो हम लोग हमेशा उम्मीद पर जीते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद करते हैं कि कुछ युवा सामने आए हैं, तेजस्वी तेज प्रताप युवा हैं, कुछ नया युवाओं के लिए सोचें, उम्मीद करते हैं। लेकिन सरकार कहाँ पती है, सरकार तो भगवान मालिक है, होगा क्या। कल यही नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उसी तेजस्वी और आरजेडी के साथ में सत्ता में थे और उन्हीं से सत्ता अलग होके एनडीए में आए थे और फिर सरकार में गए, होगा तो वही जो पहले हो रहा था। जो तेजस्वी जी कहे हैं वो अपने वादे से पीछे नहीं रहेंगे और हमको ही नहीं पूरे बिहार की जनता को उन पे फक्र है। पूरे बिहार की जनता
तेजस्वी जी पर फक्र करती हैं, और फक्र है कि जो वो कहे हैं उन पे वो खरे उतरेंगे। अभी महागठबंधन की सरकार है, जवाब अब नीतीश कुमार देंगे और आरजेडी के लोग देंगे। हम लोग जब सरकार में थे तो शराबबंदी लागू था, हम तो समझते हैं कि शराबबंदी लागू रहेगा। अब खोलना है तो जो सरकार में बैठने वाले उनसे पूछिए ना, ये उनका सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है। पार्टी का जो रणनीति रहेगा, भारतीय जनता पार्टी अब संपूर्ण बिहार में अपने बल पर अगला चुनाव लड़ेगी, और हम लोग सरकार में रहे या विरोध में रहे, संगठन का काम निरंतर चलते रहता है। और सरकार के खिलाफ, मतलब इस सरकार के खिलाफ मेरा आंदोलन शुरू है आज से और चले टॉप पर जाते हैं। एक से दो सीट से आज 282 पर है, भारत की सरकार है, विभिन्न स्टेट में सरकार है, और आज जो काम नीतीश कुमार जी किए हैं इनका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा।